हेलो दोस्तों, आज की जो यंग जनरेशन है ना, उनको तो फटाफट प्यार चाहिए, फिर शादी चाहिए, फिर बच्चा चाहिए, और बाद में टकरार, मिसअंडरस्टैंडिंग और हो जाता है डिवोर्स। ऐसा ही होता है ना बहुत सारी फैमिली मेंबर्स के बीच में। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज आपके पड़ोस में, आपके ग्रुप सर्कल में या कहीं पे भी आपने देखी होगी। तो इसी तरह की इमोशन को बयां करने के लिए एक बेहतरीन मूवी आ चुकी है, जिस मूवी का नाम है दादा। यहाँ पे स्टोरी में दिखाया जाता है कि एक कपल होता है, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, फिर उनके बीच आ जाता है बच्चा। और बच्चा होने के बाद जिस तरह से ये मूवी करवट लेती है ना भाई साहब, पूरा इमोशनल का रोलर कोस्टर राइड है ये मूवी। ये मूवी उन सारे लोगों को देखनी चाहिए कि जिन लोगों के लिए प्यार एक मजाक है, टाइम पास है। ये मूवी उन सारे लोगों को देखनी चाहिए कि सिंगल पेरेंट्स होना बहुत ही बढ़िया चुनौती से भरा काम है। ये मूवी उन लोगों को भी दिखाओ कि यार फैमिलीज की वैल्यू क्या होती है, एक दूसरे का साथ देना, प्यार, इमोशन, वो सब क्या होता है। उन सबको ये मूवी देखनी ही चाहिए, क्योंकि ये मूवी आपकी आंखें नम कर देगी। आपकी आंखों में से इतने सारे आंसू निकलेगा ना कि आप उसे रोक नहीं पाओगे। अभी आप कहोगे भाई तू इतनी सारी तारीफ क्यों कर रहा है? अरे दोस्तों, मूवी ही इतनी अच्छी है तो मैं तारीफ ना करूँ तो क्या इसकी बुराई करूँ? इसकी स्टोरी वैसे कुछ नया हमें पेश नहीं कर रही, प्रिडिक्टेबल स्टोरी है, मगर जिस तरह से इसके डायरेक्टर ने इसका डायरेक्शन किया है ना भाई, लाजवाब है इसका डायरेक्शन। मुझे तो पर्सनली इसकी एक्टिंग, इसका डायरेक्शन इतना इमोशनली टच कर गया ना भाई, कि उसकी वजह से मैं इस मूवी को मस्ट वॉच की कैटेगरी में रखता हूँ। और यहाँ पे स्टार कास्ट की बात करें तो काविन, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है इस पूरी मूवी के अंदर। और सामने अपर्णा दास, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से अपना किरदार निभाया। देखने जाओ तो मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। अभी आप कहोगे ये मूवी देखने को कहाँ मिलेगी? तो एक ही जगह है ना, जुगाड़ की दुकान, वहाँ पे जाके ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। मगर थोड़ा वेट करोगे ना तो अमेजोन प्राइम पे ऑफिशियली ये मूवी आ जाएगी। इसकी हिंदी डबिंग भी ऑफिशियली हो चुकी है, वो बहुत ही अच्छी है दोस्तों। और साथ में मैं कहना चाहता हूँ, ये मूवी पूरी फैमिली के साथ देखने लायक है, ऐसी मूवी है। तो अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा करो और सबको ये मूवी दिखाओ। और अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी कॉमेंट में बताओ ना। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।